फ्री मेडिसिन के डॉक्टर, उन पर किसी ने आरोप लगाया है कि मरीज ने कि वो बाहर की दवा लिख रहे थे, इस बात पर कोई लड़ाई हुई नहीं। बुंदेलखंड के महोबा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने डॉक्टरों की सज्जनता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इंसान को अपने शरीर में कोई भी समस्या होती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाता है, लेकिन यही डॉक्टर शरीर की समस्या को दूर करने की बजाय अगर शरीर को दर्द देने लगे तो क्या होगा? जी हाँ, महोबा में गुरुवार को जिला अस्पताल में एक डॉक्टर ने एक युवक की लाज जूतों से पिटाई कर दी और उसे जमीन पर खींचा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर डीएम मृदुल चौधरी ने टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जिला अस्पताल पहुंचे निक्की नाम के युवक की किसी बात को लेकर अस्पताल में टेलीमेडिसिन के पद पर तैनात डॉक्टर आरपी सिंह से कहा सुनी हो गई। इस दौरान डॉक्टर का पारा ऐसा चढ़ा कि उसने अपने चैम्बर में ही युवक को फर्श पर गिराकर लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। जब इससे भी डॉक्टर का मन नहीं भरा तो वो युवक को घसीटते हुए चैम्बर के बाहर लाया और गैलरी में जूतों से जमकर पीटा। डॉक्टर की ये करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद डीएम ने टीम गठित कर मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर आरपी सिंह पहले भी विवादों में रहे हैं। उन पर आरोप है कि वो बेखौफ होकर अपने चैम्बर में मरीजों को बाहरी दवाएं लिखते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।